मेरा नाम है अभय और आप लोग देख रहे हैं व्हाट यू वांट टू नो यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं एक पीसी बिल्ड करने वाला हूँ जो अंडर 60,000 रहेगा और ये प्रीमियम गेमिंग पीसी रहेगा। और अगर आप चाहें तो इसमें और भी अच्छे ग्राफिक कार्ड लगा के इसकी कीमत और बढ़ जाएगी, लेकिन आपको गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। लेकिन ये तो मैं डेडिकेटेड कर रहा हूँ माइनिंग के लिए, इसी वजह से बंदे का ये बन रहा है, तो बनवा रहा है सिर्फ माइनिंग के लिए, तो उनको माइनिंग करना है तो उसी हिसाब से मैं बना रहा हूँ। तो इसमें ग्राफिक कार्ड और पावर सप्लाई को छोड़ के 33,000 का ये बैठ रहा है, जिसमें एक्सपीजी की जो 256 GB की जो SSD है ये वाली वो लग रही है, वो 3,800 की है। और जो 8 GB इसमें DDR4 रैम लग रही है 2666 MHz वाली, वो दो स्पीक मतलब 8 GB बैठ रही है 3250 की। और इसमें जो मैं प्रोसेसर यूज करने वाला हूँ वो इंटेल कोर i3-10105F रहेगा, जो कि डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड की नीड रहती है, जिसमें ये बिना ग्राफिक कार्ड के डिस्प्ले नहीं देता है। और ये मुझे 9,000 का पड़ा हुआ है टोटल। और डीप कूल का कूलर लगाऊंगा मैं ये वाला, इसमें ये मुझे पड़ा है 1700 रुपये का, सॉरी 1650 रुपये का, 50 रुपये का उन्होंने डिस्काउंट दे दिया था। और बाकी का इसमें जो आप ये लोग देखिए, आप ये कैबिनेट देख ही रहे होंगे, जेब्रॉनिक्स का है ये, इसका नाम है कोरोनस, जेब कोरोनस इसका नाम है, ये मुझे पड़ा है 2800 रुपये का। और बाकी का जो सबसे मेन चीज़ है माइनिंग के लिए वो होती है मदरबोर्ड और ग्राफिक कार्ड। तो मदरबोर्ड इसमें थोड़ा अच्छा लगाया है मैंने, ये मदरबोर्ड है 570H570 Prime, ये मुझे पड़ा है पूरा 12,500 रुपये का। तो ऐसे करके कुल मिला के 33,000 रुपये का ये मुझे पड़ा है। और एक चीज़ और अलग से मैंने ली है, जो कि मैं इसके साथ, वैसे मैं मुझे इस कूलर के साथ थर्मल प्लेट आया था, लेकिन वो मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये अलग से गेमर स्ट्रॉम का थर्मल प्लेट लेके आया हूँ, जो कि मुझे 850 रुपये का पड़ा है, ये मुझे मैं इसमें यूज करूँगा। तो सबसे पहले तो इसमें कैबिनेट में एक पंखा मुझे निकला हुआ मिला था, तो ये मैं फैन इसमें फिट कर देता हूँ, फिर आपको बाद में बताता हूँ। तो ये मुझे निकला हुआ मिला था, तो अब मैंने इसको फिट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी का इसका मैं अलग सब चीज़ों का अलग अलग रिव्यू मैं दे चुका हूँ, आप लोगों ने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोडेड है। जितनी भी चीज़ यूज कर रहा हूँ मैं इसमें, सबकी अलग अलग डिस्क्रीट वीडियो पड़ी हुई है। आपको ये जो पीसी बिल्ड करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें पूरी ये सब वीडियो पड़ी हुई। तो मैं अभी केवल यूज कर दे रहा हूँ, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये फ्रंट फैन के लिए है 3 कनेक्टर, और ये बैक फैन के लिए 1 कनेक्टर, और ये कुछ पावर स्विच वगैरह के लिए, माइक के लिए है, और ये HDD LED वगैरह के लिए है। और इसमें एक USB 2.0 का पोर्ट है, एक ऑडियो जैक के लिए पोर्ट है, और ये USB 3.1 का एक पोर्ट दे रखा है। तो ये था इसका पोर्ट। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस मदरबोर्ड में CPU को इंस्टॉल कर लेता हूँ, CPU में उठा लेता हूँ यहाँ से, CPU मैंने यहाँ से उठा लिया है, इसको बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ। ये CPU का स्टॉप कूलर दे रखा है इसमें, लेकिन मैं इसका पहले भी बता चुका हूँ मैं इसका यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं अलग से कूलर लेके आया हूँ डीप कूल का, तो मैं इसको ऐसे कैसे पैक कर देता हूँ। बाकी का प्रोसेस इसके साइड में है, तो प्रोसेसर मैंने निकाल लिया है और मैंने अपने आप को ग्राउंड कर लिया है, जिससे कि कोई
स्टैटिक चार्ज इन सब पार्ट्स में ना जा पाए और ये सब पार्ट्स खराब होने के चांस बहुत कम हो जाए। तो मैंने इसका सॉकेट खोल लिया है मदरबोर्ड का और मैं इससे बाहर निकाल लेता हूँ सीपीयू को। तो ये मैं इसमें से सीपीयू हटा ले रहा हूँ। हटाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। इस सीपीयू पे इस कॉर्नर पे एक ये एरो टाइप का बना हुआ है, ये एरो टाइप का बना हुआ है यहाँ पे। और इस बोर्ड पे आप देखेंगे तो आपको ये एक डॉट दिखेगा साइड में। तो हम लोगों को करना क्या है, इस कॉर्नर को, इस एरो को इस डॉट से मिला देना है। बस इसको ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे पिंस को बिना टच करते हुए सीपीयू को यहाँ पे रख देंगे, अच्छे से आराम से रख देंगे जिससे कि पिन डैमेज ना हो। और ये मेरा सीपीयू बैठ चुका है अपनी जगह पे और मैं अब इसको ढक्कन को बंद करता हूँ और ये अपने आप निकल जाएगा, इसका ही कवर निकल जाए। इस कवर को बाद में रख लेते हैं, रख लेना चाहिए। जैसे कि आपका कभी मदरबोर्ड ख़राब वगैरह हो तो आप सर्विस सेंटर पे इसको भेजना चाहो तो इसको लगा के ही भेजें जिससे कि पिन वगैरह डैमेज ना हो जाने के टाइम में। तो ये मैंने निकाल दिया इसको, इसे मैं साइड में रख देता हूँ। बाकी का अब मैं क्या करता हूँ, इसमें थर्मल पेस्ट लगा के और इस पर सीपीयू कूलर लगाता हूँ। उससे पहले मैं क्या करूँगा, सीपीयू कूलर को रेडी कर लेता हूँ लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसकी ये स्टिकर हटा दें ना तो ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा, और किसी साफ कपड़े से इसको पोंछ लें। तो मैंने इसको साफ कर लिया है, इसका जो ग्लू टाइप का था वो छूट नहीं रहा था तो मैंने इस पर थोड़ा सा एल्कोहल डाल के इसको साफ कर दिया अच्छे कपड़े से। एल्कोहल में मैंने हैंड सैनिटाइजर यूज़ किया था, आप लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके ब्रेसेस उठा लेता हूँ और इसमें कुछ थोड़े से नट बोल्ट हैं उनको उठा के इसमें असेंबल कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगा। ये इसमें थर्मल पेस्ट दे रखा था लेकिन मैं ये यूज नहीं करूँगा। ये ब्रशेस कुछ इस तरह से इसमें लग जाएंगे। और इन ब्रशेस को चेक करने के लिए पहले आप लोग क्या करें, अपना मदरबोर्ड उठा लें। इसमें दो तरह के ब्रशेस दे रखे हैं, जो आपके मदरबोर्ड के साथ कंपेटेबल रहे वो लगा लें। तो ये देखिए मेरे मदरबोर्ड में ये वाला ब्रशेस बड़ा पड़ रहा है तो ये वाला मैं साइड में रख देता हूँ ये दो ब्रशेस, और इनको हटा देता हूँ। मेरे ये काम के हैं, ये वाले ब्रशेस मेरे काम में आएंगे। और आप लोग ऐसे भी करके देख सकते हैं, अगर आप ऐसा लगाना चाहें इसको तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसा आपके में कंपेटेबल रहे आप वो करें। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाले ब्रशेस अपने इसमें लगा लेता हूँ। ये वाले ब्रशेस लगाने के लिए इन लोगों ने मुझे दो स्क्रू दिए हुए हैं। तो मैं इसे लगाने के लिए इसको इसके फैन को हटा देता हूँ, ब्रशेस की मदद से हटा लेता हूँ। केयरफुली करना है थोड़ा सा इससे कि खराब ना हो, और ये इधर से भी निकाल लेना है। अलग हो जाएगा। अब आप इसके फैन की स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, 12 वोल्ट 0.18 एम्पीयर, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ पिछली वाली इसके रिव्यू वाली वीडियो में। तो इसके मैं दो स्क्रू निकाल लेता हूँ, इसमें दे रखे हैं। ये
दो स्कूल में निकाल ली, बाकी अभी इसी में रख देता हूँ, बाद में जरूरत पड़ेगी इनकी। इसको हम लोगों को ऐसे रखना है और ये फिर ऐसे इसमें कट दिया हुआ है, इस कट में ये ऑटोमेटिक फंस जाएगा। ये इधर का नहीं है, लेकिन ये जो आपको गड्ढे वाली साइड दिख रही है ये ऊपर करनी है। ये ऐसे लग के ये वाले स्क्रू इसमें फंस जाएंगे। मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको फेस देता हूँ। आप लोगों को इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। मैंने इसको टाइट कर लिया है। क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था इसलिए मैंने स्क्रू का चेंज कर लिया स्क्रू टाइप। अब इसी प्रकार इस तरफ का भी मैं कस ले रहा हूँ। बाद में हम लोग इस पे थर्मल पेस्ट लगा के पैक करेंगे। ये मैंने पैक कर लिया है। अब ये वाला इस तरह से यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। अब ये हम लोगों ने इस पे लगा लिया है। अब हम लोगों का काम है कि इस मदरबोर्ड में जो हम लोगों को ये प्लास्टिक का ब्रैकेट दे रखा था उसे लगा लिए हुए। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। मैंने इसमें ये चारों स्क्रू दिए हुए थे वो लगा लिए हैं इस तरह से इस ब्रैकेट में, और ये ब्रैकेट डायरेक्टली इसमें इस तरह से लग जाएगा। अब हम लोग अपने मदरबोर्ड को सीधा कर लेंगे और इसे इस पॉलीथिन पे रख लेंगे। अब इसके बाद क्या करना हम लोगों को, ये इन लोगों ने चार नट दे रखे हैं इसमें, वो इस पर हम लोगों को लगाने हैं वॉशर लगा के। वॉशर ये चार दे रखे हैं, एक एक वॉशर सब में डाल देना है। ये प्लास्टिक के वॉशर हैं पीवीसी के, ये आराम से इसमें लग जाएंगे। और ये जो चार नट दे रखे हैं इसको इस पर लगा देना है। स्पेसर बोलते हैं वैसे तो इनको, ये चार स्पेसर दे रखे हैं वो इस पर लग जाएंगे। और इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब ये मैंने इसमें स्पेसर्स लगा दिए हैं इसके चारों, और अब आप इस पे ये कूलर लगा सकते हैं आराम से कुछ इस तरह से। और इन्होंने टेंशनड ये नट्स दे रखे हैं वो ऊपर से इस तरह से लग जाएंगे इसमें चारों। पहले उससे पहले हम मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें रैम इंस्टॉल कर लेता हूँ फिर, क्योंकि अगर आप कूलर का साइज थोड़ा बड़ा होता है तो फिर रैम इंस्टॉल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से मैं इसमें पहले क्या करता हूँ, रैम इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैं ये क्रिसवेल की बेसिक्स रैम यूज कर रहा हूँ, 4GB की फोर जी बी की दो स्टिक्स हैं, क्योंकि मैं डबल चैनल पे इसको चलाना चाह रहा था जिससे कि इसका परफॉर्मेंस थोड़ा रैम का बढ़ जाए। क्योंकि आप लोग जानते ही इंटेल के साथ क्या दिक्कत रहती है कि वो लोग 2666 मतलब 2666 मेगाहर्ट्ज़ पे रैम को अपडेट करवाते हैं जिससे कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस रैम की डाउन हो जाती है। तो अगर हम लोग दोनों स्लॉट पे यूज करें तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, थोड़ी सी क्या डबल कह सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसके रैम स्लॉट्स की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है। DIMM B1 स्लॉट ये वाला है, और ये स्लॉट B2 है, और ये A2 है A1 है, और ये स्लॉट A2 है। तो हम लोग क्या करते हैं,
B1 और A2 स्लॉट पे लगा देते हैं रैम को, थोड़ा सा कूलर से थोड़ा दूर भी हो जाएगा और दोनों चैनल पे भी लग जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को ए और दो बी दोनों चैनल पे रैम को लगाना है, जिससे कि स्पीड थोड़ी बूस्टअप हो जाए, दो चैनल यूज हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक इस पोर्ट पर लगा देते हैं और एक इस पोर्ट पर लगा देते हैं। तो लगाना शुरू करते हैं, इधर से फंसाना और इधर से फंसाना और अच्छे से प्रेस कर देना इसको, क्लिक की साउंड आएगी तो समझ लो ये रैम लग गई है। इसी प्रकार ये वाली भी लगा देते हैं। तो इस सिस्टम में इस तरह से 8 GB रैम लग गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेसर को थोड़ा सा साफ करके और इसमें थर्मल ग्रीस लगा लेते हैं। थर्मल पेस्ट और कूलर लगाने के बाद मैं इसमें पंखा लगा रहा हूँ। आप लोग ये ध्यान देना इसका तार नीचे की तरफ रहे, क्योंकि यहाँ पे इसकी फैन की पिंस हैं, तो इसके जितना पास रहे वो अच्छा है। तो इसको इस तरह से लेके और यहाँ पे इसको थोड़ा सा खींच के और यहाँ फिक्स कर दें इसी तरह से, इस तरफ भी मैं कर दे रहा हूँ, मैंने कर दिया है और ये फिक्स हो गया है। और बाकी का फ़ैन का इसका हेडर जो है वो इसके फ़ैन के स्लॉट में लगा दे रहा हूँ। इसमें ये वाला तो फैन का स्लॉट है, अगर आप वाटर कूलिंग कर रहे हैं तो ये वाला आपको IO पंप में लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं तो इसमें नॉर्मल स्टॉक वो एयर कूलर लगा रहा हूँ, तो इसलिए मैं तो इसमें फ़ैन के जैक में इसको इंसर्ट कर दे रहा हूँ। तो मेरा ये लग चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें NVMe SSD जो मुझे लगानी है वो लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये रही XPG की NVMe SSD। तो मैं अगर चाहता तो इस वाले पोर्ट पे लगा सकता था, ये PCIe Gen 4 का है और ये PCIe Gen 3 का है। और मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता दूं, ये PCIe Gen 3x4 को सपोर्ट करता है, लगना इस पे चाहिए, लेकिन इसमें RGB है तो मैं चाहता हूँ कि इसमें RGB भी दिखे, इसलिए मैं इसको इस पोर्ट पे लगा रहा हूँ, इसको कुछ इस तरह से। और मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा बीच में, ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा है, और अब मैं इसको आराम से लगा सकता हूँ। और इसके स्क्रू इसके साथ आया था मदरबोर्ड के साथ, वो मैं स्क्रू निकाल लेता हूँ। ये इसके स्क्रू हैं जो कि इसके साथ आए हैं मदरबोर्ड के साथ, तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रू निकाल के लगा देता हूँ। तो इसको खोल लेता हूँ, ये मैंने इसको खोल लिया है, इसमें से एक सिंपल सा एक स्क्रू निकालता हूँ और इसको साइड में रख के इसे इसमें लगा देता हूँ। अब इस मदरबोर्ड के साथ ये IO शील्ड आई थी, इसको हम लोगों को इस केस में लगाना है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। और ये IO शील्ड है इसकी, इस केस में मैं इसे लगा देता हूँ, कुछ यहाँ से लेंगे और अंदर से इसको हल्का सा पुश कर दूंगा, इसमें थोड़ा फैन अटक रहा है। अब ये क्लिक की साउंड आएगी इसमें से और ये IO सील लग चुकी है, इसमें प्रॉपरली फिट हो चुकी है, ये IO सील इसमें प्रॉपरली फिट हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मदरबोर्ड लगाता हूँ। IO सील लगाने के बाद हम लोग अब इसमें मदरबोर्ड लगाएंगे, और उससे पहले मैंने क्या किया है, ये जो टर्मिनल्स या स्क्रू दिख रहे हैं वो इस मदरबोर्ड के हिसाब से मैंने चेंज कर लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सीधे डायरेक्ट मदरबोर्ड को इंसर्ट कर देता हूँ और इसकी जगह पे प्लेस कर देता हूँ, और ये मदरबोर्ड अपनी सही जगह पे प्लेस हो चुका है।
अब मैं क्या करूँगा, इसको स्क्रू से टाइट कर दे रहा हूँ जिससे कि ये इधर उधर भागे ना। सबसे पहला स्क्रू मैं इस जगह लगाता हूँ। मैं स्क्रू लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये मैंने इस मदरबोर्ड को इस बोर्ड पे, इस कैबिनेट में इस मदरबोर्ड को मैंने टाइट कर दिया है। और इसके जो मदर कैबिनेट के जो वायर थे, हेडर पिन्स थी, उनको मैंने निकाल लिया है बाहर। दो केबल दी हुई हैं, ये USB 3.0 के लिए है और वन की यहाँ पे थोड़ा सा स्काई कलर होता, वन की होती तो 3.1 की। और ये HD ऑडियो के लिए दी हुई है और ये हेडर पिन USB 2.0 के लिए दी हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको, इस केबल को 3.0 वाली को इस कैबिनेट के पीछे से निकाल लेता हूँ जिससे कि थोड़ा CPU देखने में अच्छा लगे। और यहाँ से मैं निकाल के यहाँ लगेगा वहाँ उसके पास निकाल लेता हूँ। तो इस पे मैंने ये, इसमें 3.0 का स्लॉट है, USB 3.0 का, और ये वाला 3.2 का जनरेशन 1 का है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से किसी एक में लगा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले पोर्ट में से लगा देता हूँ और ये लग चुका है, क्लिक की साउंड आ चुकी है। और इसी तरह से इस वाले केबल को भी मैं पीछे से निकाल लेता हूँ। इधर से निकाल के मुझे इसको नीचे ले जाना है बिल्कुल ही। तो क्या करूँगा, मैं इधर से निकाल लेता हूँ, मैं इसके नीचे से भी निकाल सकता हूँ, इसके नीचे से ही निकाल लेता हूँ मैं। और इसके बाद मैं यहाँ से पकड़ के इसको खींच लेता हूँ। और ये HD ऑडियो का है, वो वाला जैक लगेगा आपका। यहाँ पे एक हेडर दे रखा है HD ऑडियो का, ये है, ये हॉट हेडर है। तो मैं इसमें प्लग कर देता हूँ उसको। और ये प्लग हो चुका है, अच्छे से टाइट हो गया। और ये इसका USB 2.0 का दे रखा है। USB 2.0 के इसमें दो पोर्ट दे रखे हैं, ये इन दोनों से मैं कोई सा भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो मैं इसमें लगा देता हूँ इसको इस जगह पे। ये कुछ इस तरह से लगेगा, ये यहाँ पे मैंने लगा दिया है। और अब इस तरह से ये USB वाले काम हो चुके हैं। अब इसकी जो कुछ सिग्नल पिन्स होती हैं उनको मैं लगा देता हूँ। इस पे क्या लिखा है, पावर स्विच। तो इसमें पैनल में मैं देख पा रहा हूँ पावर स्विच। तो इस वाले मदरबोर्ड में ये दो पिन्स पावर स्विच के लिए हैं, एक ये एक ये। तो आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं पेचकस से बता देता हूँ। ये वाली पिन एक ये वाली पिन और दूसरी इसके बगल वाली पिन, ये दो पावर स्विच के लिए। तो मैं उस पर पावर स्विच का टर्मिनल लगा देता हूँ। पावर स्विच में प्लस माइनस कुछ नहीं होता है, आप कैसा भी करके लगा सकते हैं। ये मैंने पावर स्विच का प्लग लगा दिया है। अब बचा है मेरे पास HDD LED। तो HDD LED में प्लस माइनस होता है, तो इस वाले मदरबोर्ड में HDD LED इधर वाली दो पिन्स हैं, एक ये है, मैं इधर से बताने की कोशिश करता हूँ। एक ये पिन HDD LED की है, ये प्लस है, और इसके बगल वाली ये है, ये माइनस पिन है। तो इस पे मैं ये लगा देता हूँ। और अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो अब जब आप मदरबोर्ड लेंगे तो उसके यूज़र मैनुअल में ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मैंने ये दोनों लगा दिया है। अब मेरे पास बचा है एक, ये बचा है रीसेट स्विच का, एक ये बचा है रीसेट स्विच का, और ये बचा है पावर LED का।
एक। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं रीसेट स्विच का ये लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। रीसेट स्विच का है, इसमें पावर एलईडी के जस्ट बगल वाली जो दो पिन है वो रीसेट स्विच का है। इसमें भी कुछ उल्टा सीधा नहीं होता है, इसको भी आप कैसे भी लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैंने रीसेट स्विच का भी लगा लिया है। अब मेरे पास बस बचा है पावर एलईडी का, जो कि इसमें दिख रहा है मुझे, ये दो पिन्स बता रहा है। और इसका कनेक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाता है और ये एक्स्ट्रा वायर है, मैं उसको बाहर की तरफ खींच लेता। तो अब इसके बैक साइड से थोड़ा सा काम रह गया करने को। अब ये केबल मैनेजमेंट आप लोग तो जानते हैं, कैसे भी आप सजा सकते हैं, तो उसका कोई बड़ा इतना बड़ा कोई टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी नहीं है। केबल मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसको यहाँ पे मैं टाइट कर दूंगा। ये कनेक्टर लगाने के बाद मैंने अब क्या किया है, यहाँ पे एक पावर सप्लाई को स्क्रूज से, यहाँ पे इन दो स्क्रूज से टाइट कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पावर सप्लाई के कनेक्शन करता हूँ। कनेक्शन करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले ये सब जितने भी तार है ना, ये सब बाहर निकाल लेता हूँ पिछली साइड पे, जिससे कि ये दिखे नहीं, और इतने जिसमें जितने भी ये बंधे हुए हैं इनको सबको लूज कर लेता हूँ। और मैं बाहर निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने वायर्स को पीछे से निकाल लिया है। ये 24 पिन का ATX कनेक्टर इस वाले जैक में चला जाएगा कुछ इस तरह से, और ये यहाँ पे बैठ गया है। और यहाँ पे ये CPU का सॉकेट है, वो इस वाले 8 पिन कनेक्टर में चला जाएगा। तो मैं ऐसे लगा देता हूँ आराम से। और ये लग गया है। अब बाकी बचा ये PCI एक्सप्रेस का, कनेक्टर है ये। इसमें मैं अभी फिलहाल के लिए 1066 GB का ग्राफिक कार्ड लगा रहा हूँ, जो कि आसुस का है, STRIX सीरीज का ग्राफिक कार्ड है। तो अभी टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं ये इसमें लगा रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक PCI स्लॉट को खाली कर लेता हूँ, जिससे कि मैं उसमें ये ग्राफिक कार्ड लगा पाऊँ। तो मुझे नीड है ये वाले दो PCI हटाने की, PCI स्लॉट हटाने की। इसको ऐसे करके तोड़ देंगे और ये अलग हो जाएगा। अभी चेक करते हैं क्या मेरा ग्राफिक कार्ड लग पाएगा। लगा के देखते हैं कि कौन सा PCI स्लॉट हमको और निकालना है। अभी तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये वाला PCI स्लॉट, ये वाली PCI पत्ती और निकालनी पड़ेगी मुझे। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो मैंने ये वाली भी पत्ती निकाल दी है। अब इसके बाद मैं सिंपली इसको पुश कर दूंगा इस वाले स्लॉट में, इसको मैच करते हुए। तो मैं इसको इस तरह रखना है और ये वाला इस वाले स्लॉट में इसको डालना है बहुत आराम से, और जाने के बाद सीधे प्रेस कर देना है, बस क्लिक का साउंड आएगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर जो ये बोल्ट निकला था ना पेच,
वो इस वाले स्लॉट में इसको डाल के टाइट कर देना है। अब जो ये PCI एक्सप्रेस का पावर कॉर्ड है उसको 6 पिन कनेक्टर है उसको इस ग्राफिक कार्ड के पावर पिन में लगा देते हैं, पावर सॉकेट में लगा देते हैं। और अब इन केबल को मैं टाइट कर लेता हूँ थोड़ा, जिससे कि ये थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे। मैं उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे एक पीछे फैन था और 3 फैन आगे हैं, उन सब के कनेक्टर ये चारों कनेक्टर ये हैं, उनको आपस में मैंने कनेक्ट कर लिया है इस वाले को कनेक्टर से। और ये जो पावर सप्लाई का कॉर्ड है इसको मैं इसमें लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। अब ये फैन ऑन हो जाएंगे जैसे पावर सप्लाई ऑन होगी। मैंने इन केबल्स को अच्छी तरह से फिक्स करके इसको अपने जगह पर मतलब छुपा के थोड़ा सा सेट करके अब मैं इसका ढक्कन लगाने जा रहा हूँ, जो कि इस तरह लगेगा। और बाद में इसके 2 स्क्रूज हैं वो टाइट हो जाएंगे। और ये स्क्रू टाइट होने के बाद आगे से कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसका फ्रंट पैनल और साइड पैनल मैं लगाता हूँ। अब मैं ये फ्रंट पैनल लगाने जा रहा हूँ, इसका पहले तो मैं लेमिनेशन हटा देता हूँ। और ये सेम पीछे भी लगा हुआ है और इसकी एक रबड़ ये है, ये मैं इसमें लगा देता हूँ। और अब ये सिंपली ऐसे रखा जाएगा। पहले मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ, ये सैनिटाइजर मैंने थोड़ा सा डाला, मैंने इसे साफ कर दिया है। अब बाकी के 4 स्क्रू इस पे लगा देता हूँ मैं। ये इसके फ्रंट के 4 स्क्रू हैं। ये थोड़ा इसकी रेडियस और या डायमीटर में थोड़े बड़े हैं फ्रंट की स्क्रू। ये मैंने 4 स्क्रू लगा दिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को इसका कनेक्शन करके दिखा देता हूँ LCD पे से डिस्प्ले से जोड़ के, और आपको बूट करा के दिखा देता हूँ। मैं अब HDMI केबल के थ्रू इस मॉनिटर को इस CPU के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और फिर इसको पावर सप्लाई देते हैं। तो मैं इसे HDMI केबल HDMI 1 में लगा लेता हूँ इसमें मॉनिटर में, और इधर इस CPU में इस ग्राफिक कार्ड के आउटपुट में मैं लगा देता हूँ HDMI केबल। ये लग गई। अब इस CPU की पावर कॉर्ड लगा देता हूँ इस पावर सप्लाई में। पावर कॉर्ड मैंने लगा दिए। और ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें मैं इसे पावर अप कर देता हूँ मॉनिटर, और इसको मैंने पावर दे दिए। तो ये सेटअप पूरा कंप्लीट कर दिया है मैंने। अब बस पावर ऑन करने की जरूरत है, बस मैं एक बटन प्रेस करता हूँ और ये बूट हो गया है। और हम लोग अभी इसका BIOS आने का इंतजार करते हैं, देखते हैं कितनी देर में BIOS आता है। वाओ, BIOS आ चुका है, इसका मतलब हम लोगों का सिस्टम एकदम प्रॉपर काम कर रहा है। बस अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ASUS PRIME H570 Plus इसमें लगा हुआ है मदरबोर्ड, और CPU Intel R4 i3-10010F CPU 3.70 GHz पे चल रहा है, और स्पीड है इसकी अभी बेस क्लॉक पे चल रहा है 3700 MHz पे, और टोटल मेमोरी है इसमें 8 GB की, और DDR4 है 2133 इसकी फ्रीक्वेंसी चल रही है अभी इस समय। और अभी कोई भी USB डिवाइस इससे कनेक्ट नहीं है, ना ही माउस कनेक्ट किया है मैंने, ना ही अभी कीबोर्ड कनेक्ट किया है, इसलिए ये दिखा रहा है 0 ड्राइव और 0 कीबोर्ड 0 माउस। और डिटेक्टिव डिवाइस M.2 पे XPG की जो एस्पेक्ट
स्टेपरिस S40G लगी हुई है इसमें, SSD NVMe SSD है, और कह रहा है BIOS में जाने के लिए इंटर सेटअप रिकवरी, मतलब अब इसमें विंडोज़ का अपलोड करने की देरी है, बस विंडोज़ में इसमें डालेंगे फिर आपको दिखाते हैं। तो कि हाउ टू बिल्ड अ कोर i3-10105F CPU इन लो बजट। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट करके, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।